हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखा अर्णव, ये जो मॉल है ना, हाँ। ये सिलेरो का सबसे अच्छा मॉल है। वाव यार, वेरी गुड। यहाँ पर तुझे ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे जो तुझे इंडिया में कभी नहीं मिलेंगे। चलने यार, फिर लेते हैं। हाँ चल। थैंक यू। वाव यार, ब्यूटीफुल। क्यों, सही है ना मॉल? अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। ठीक है यार, इस शोरूम में हमें टी-शर्ट्स मिल जाएंगे। चल। हाँ, ये शर्ट कैसी रहेगी? अरे यार कुछ भी ले ले, तुझे पता है ना तेरी और मेरी पसंद एक है। क्या यार, तुझे हमेशा मजाक क्यों सूझता रहता है? यार जिंदगी होती है 4 दिन की, 2 दिन तो बीत जाते हैं जिम्मेदारी निभाने में, बाकी बचे 2 दिन एक अच्छे हमसफर की तलाश में निकल जाते हैं, फिर क्यों पूछ रहा है? आप महान हो अर्णव जी, महान। अच्छा अच्छा, जल्दी से कर ले शॉपिंग, इसके बाद मुझे घर जाके पैकिंग करनी है, कल मेरी फ्लाइट है यार। अबे हद है यार, एक तो मैं तेरे लिए शॉपिंग कर रहा हूँ और ऊपर से तू मुझे ही बोल रहा है। अच्छा बाबा सॉरी, मन लगा के कर ले शॉपिंग। ओके हाँ ठीक है ठीक है। ये अच्छा कलर है, ये भी अच्छा है। चल भाई हो गई तेरी शॉपिंग, 5 शर्ट्स लिए तेरे लिए, ठीक है ना? अच्छा अर्णव एक बात बता, तू तो अगले महीने इंडिया जाने वाला था ना? हाँ। वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए, फिर अचानक हमेशा इंडिया वापस जाने का प्लान क्यों बना लिया? सच बताऊं यार, सिलेरो में बहुत कारोबार किया, लेकिन अब घर वालों के बगैर रहा नहीं जाता, इसलिए यहाँ का किया कारोबार बंद, हम तो चले इंडिया। सुन सब ठीक तो है ना? हाँ यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अब जल्दी से पे कर। अच्छा तो अब पेमेंट भी मैं ही करूँ? यार हम में से बड़ा कौन? मैं। तो कौन करेगा पे? हाँ यार वो तो ठीक है, फिर भी कर। नहीं यार चल चल जल्दी चल। अच्छा बाबा ठीक है, तू भी क्या याद करेगा किस रही ज्यादा से पाला पड़ा है। यू फाइन ना? क्या? एक्सक्यूज मी, वी हैव टेकन दीस शर्ट्स, कुड यू मेक डबल प्लीज? ओह माय गॉड, दिस मैन इज ब्लीडिंग। अर्णव, 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 अर्णव ये सब कैसे हो गया? सिलेरो पुलिस के हिसाब से तो अर्णव का केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, फिर इस केस को इंडियन पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? आप इंडियन हैं? जी हाँ। दरअसल अर्णव के परिवार वाले उसकी लाश को देखना चाहते हैं, उसके बाद ही वो तय करेंगे कि तहकीकात आगे बढ़ानी है या नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि एक जवान बेटे की मौत का गम क्या होता है। खैर हमने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है। थैंक यू। क्या आप इन्हें अकेले ले जाएंगे? जी हाँ, मैं अर्णव की लाश को अकेला ही इंडिया लेकर जाऊंगा। हेलो, सिक्योरिटी की जांच पूरी हो चुकी है, फ्लाइट 3 बजे यहाँ से रवाना होगी और 6 बजे वहाँ पहुँच जाएगी। अब आगे क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हेलो, हाँ अंकल जी, आज ही एयरपोर्ट की कार्यवाही और फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। जी हाँ हम घर के लिए निकल चुके हैं। अंकल जी वो मुझे आगे रास्तों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा कि कितना टाइम लगेगा। जी एक सेकंड भाई साहब, ये जयनगर कॉलोनी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 घंटा लगेगा साहब। हाँ अंकल जी वो 1 घंटा लगेगा अंकल जी। अर्णव, हे भगवान कैसे हो गया ये सब? अपने आप में संभालिए पापा। कैसे संभालू? आप अंदर चलिए पापा प्लीज। मेरा बेटा मुझसे छिन गया।
कैसे दोस्तों तुम? वो तुम्हारे सामने मर रहा था और तुम मुझे बचा भी नहीं सके। अंकल मैं क्या कर पाऊंगा? खोलिए। ये किसकी लाश है? ये अर्णव भैया की लाश नहीं है। कौन है ये? कहाँ है अर्णव? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या पता नहीं, लगातार तुम अर्णव की लाश के साथ थे। मेरा बेटा कहाँ है? जी हाँ अंकल, मैं लगातार उसके साथ था, पर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। झूठ बोल रहे हो तुम। कहाँ है अर्णव भैया की लाश? देखिए मुझे सचमुच में नहीं पता कि ये लाश किसकी है और कैसे आ गई कॉफिन में। पापा। मिस्टर वंश, सिलारो से लेके मुंबई तक अर्णव की लाश के साथ तुम ही थे, और तुम्हें पता नहीं कि अर्णव की लाश कॉफिन से कहाँ गायब हो गई और उसकी जगह ये इस आदमी की लाश आ गई। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों पर जरा भी विश्वास मत करना। इसी ने मेरे बेटे की लाश को गायब किया है, सब कुछ इसी का किया कराया। नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद चौंक गया हूँ सब कुछ देखकर। मैं आपसे कह रही थी ना कि हम खुद सिलारो जाकर अर्णव भैया की लाश ले आते, पर आपको इस वंश पे भरोसा था। देख लिया, भरोसा करने का नतीजा। सर, अर्णव इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, पर इसने। सच क्या है वंश? सर सच यही है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे सामने अर्णव की लाश को कॉफिन में रखा गया, तुम्हारे सामने उसे प्लेन में चढ़ाया गया, तुम उसकी लाश को लेकर यहाँ पर आए हो, और तुम्हें मालूम नहीं? सर मैं मानता हूँ कि मेरे ही सामने अर्णव की लाश को इस कॉफिन में रखा गया था, मेरे ही सामने इस कॉफिन के सील को लगाया गया था, और मेरे ही यहाँ पहुंचने पर ही इस कॉफिन के सील को तोड़ा गया था, मैं मानता हूँ। लेकिन जब कॉफिन खुला तो अर्णव की लाश गायब थी, उसकी जगह किसी अनजान आदमी की लाश पाई गई इसमें, कैसे? सर मेरा जवाब वही रहेगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये आदमी कौन है? नहीं सर, मैं तो आज पहली बार इस आदमी को देख रहा हूँ। अब ये आदमी कैसे मरा और कैसे इस कॉफिन के अंदर पहुंचा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभिजीत। हाँ सर। इस आदमी को मरे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, और इसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई है, लगता है इसकी मौत गर्दन मरोड़ने की वजह से हुई है। बाकी माजरा क्या है ये तो फॉरेंसिक लैब में जाकर के ही पता चलेगा। और सर जो एनवलप में पेपर्स थे मैंने अच्छी तरह से चेक किए, सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब ये कॉफिन वही है जिसमें अर्णव की लाश रखी गई थी? हाँ सर। कॉफिन वही है तो लाश गई कहाँ? वंश को जरा ब्यूरो ले चलो, वहां की हवा खिलाते हैं। देखो वंश, सिलारो पुलिस का रिपोर्ट है कि जब अर्णव की उस मॉल में मौत हुई उस वक्त तुम उसके साथ थे। ये बात सच है सर, यहाँ तक कि अर्णव की लाश को मुंबई लाने की सारी फॉर्मेलिटीज मैंने की, सारे पेपर्स पे साइन भी मैंने ही किए हैं। और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं ये लाश गायब कैसे हो गई अर्णव की, और तुम चाहते हो कि हम तुम पर विश्वास करें। सर सच यही है, मेरी अब तक समझ में नहीं आ रहा कि कोई अर्णव की लाश को क्यों गायब करेगा। समझ में तो तुमको सब कुछ आ रहा है, मगर भोले बनकर तुम हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर, अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा होता तो आपको उस एम्बुलेंस का नंबर और उसके ड्राइवर का मोबाइल नंबर ही क्यों देता? क्योंकि तुम्हें पता था कि वो ड्राइवर एम्बुलेंस के साथ गायब हो गया, शायद वो तुम्हारे साथ मिला हुआ हो। क्या क्या दुश्मनी थी तुम्हारी अर्णव के साथ? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी अर्णव के साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा? जी हाँ सर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। सर अर्णव की मौत मेरे लिए भी बहुत बड़ा झटका है, कब क्या कैसे हुआ अब तक मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर चलो फिर से दोहराते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो बताओ क्या हुआ जब तुम दोनों उस मॉल में गए? ठीक है सर, एक हफ्ते बाद अर्णव इंडिया वापस आने वाला था, इसलिए उसे कुछ शर्ट्स की शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करने के बाद जब हम बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ने लगे तभी एक औरत उससे टकराई। उसके कुछ देर बाद जब हम बिलिंग काउंटर पर पहुंचे तो अर्णव की छाती से खून निकलने लगा और सर अर्णव की मौत हो गई। सर बिलिंग काउंटर की तरफ तुम बढ़ रहे थे तब एक औरत अर्णव से टकराई, उसके बाद उसके छाती में से खून निकलने लगा और अर्णव की मौत हो गई। जी। क्या ये औरत अकेली थी? औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ
प्राइम में एक बच्चा था। औरत के साथ एक बच्चा था तो फिर जरूर ये औरत अर्णव से जानबूझकर टकराई, और टकराते वक्त उसने उसके शरीर में कुछ तो चुभो दिया जिसकी वजह से अर्णव की छाती में से खून निकलने लगा और अर्णव मर गया। लेकिन सर, जो औरत अपने साथ एक बच्चे को लेकर आई थी वो भला ऐसा काम कैसे कर सकती है सर? क्योंकि फ्रेडी, वो बच्चा उस औरत का था ही नहीं। औरत उस बच्चे को इसलिए लेकर आई थी ताकि कोई उस पर शक न करे, इसलिए पता लगाना पड़ेगा इस औरत का। सलूकी साहब, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सचिन, इसकी गर्दन मरोड़ दिए जाने की वजह से इसके गर्दन की हड्डियां भी टूट गई है। और जब हमने इसकी खाल पर लिटमस टेस्ट किया तो लिटमस पेपर का रंग नीला पड़ गया, और ऐसा तब होता है जब खाल पर नमक की मात्रा ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये आदमी किसी ऐसे इलाके में रहता था जहाँ आसपास समंदर हो। बिल्कुल ठीक सचिन, क्योंकि हमें इसकी खाल पर से ये फिश स्केल, मछली की खाल भी मिली। तो सर, फिर तो ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि ये आदमी समंदर के आसपास वाले इलाके में ही रहता था। और एक बात बताओ, जब तुम मुंबई एयरपोर्ट उतरे अर्णव की लाश के साथ, मेरा मतलब है कॉफिन के साथ, तो क्या तुमने कुछ देर के लिए उस कॉफिन को अकेला छोड़ा था, कहीं दूर गए थे उस कॉफिन से? नहीं सर, मैंने अर्णव के कॉफिन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था। मगर कहाँ लेके जा रहे हो तुम? सर, मुझे लगता है कि उसी समय कुछ गड़बड़ हुई थी। साफ साफ बता, किस बात के बारे में बात कर रहे हो तुम? जब हम अर्णव के घर की ओर बढ़ रहे थे तो ड्राइवर ने बीच में एक सुनसान रास्ते की ओर शॉर्टकट लिया था। सुनसान रास्ते की ओर शॉर्टकट? जी जी जी, क्या फिर क्या हुआ बताओ। सर, जब हम सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तभी अरे गाड़ी क्यों रोक दी भैया? सर, नाकाबंदी है। पुलिस आजकल बहुत चौकन्नी हो गई है, कहीं भी और किसी भी जगह पर नाकाबंदी लगा देती है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं वंश बोल रहा हूँ। हाँ जी, बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हाँ जी ठीक है, रखता हूँ। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? कितना टाइम लगेगा? टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? अरे बोला ना, टाइम लगता है। आप अपने पेपर दिखाइए। पेपर? ये एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस के पेपर चेक करता है? मैं एयरपोर्ट से लाश लेकर के आ रहा हूँ, इसमें किसी का बेटा है, किसी का भाई है। आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? हम समझते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है। हमें ऊपर से ऑर्डर है कि एक भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं छूटनी चाहिए, समझे ना आप? अरे ये कोई साधारण गाड़ी थोड़ी है, ये एम्बुलेंस है, ऐसे कैसे नहीं जा सकती है? अब ज्यादा समझदारी नहीं बताओ, अब जाके एम्बुलेंस में बैठ जाओ, वरना शांत हो जाइए प्लीज, बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। चलो, थैंक यू। चलिए आप बैठिए, जाइए। चलो आगे। देखो, मतलब उसी दौरान लाश को गायब किया गया। सर, आपका मतलब ये सब एक साजिश थी? बिल्कुल पंकज, सबका सब प्लान था ये, वो दो दो गाड़ियों का अचानक वहीं पर होना, फिर एक सुनसान रास्ते पर चेक पोस्ट का होना, और फिर उस चेक पोस्ट के कांस्टेबल का एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ झगड़ा होना, सब कुछ प्लान था वंश को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए। तुम्हें अजीब नहीं लगा सुनसान रास्ते पर चेक पोस्ट देखकर? सर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ की किसी भी चीज से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए ये क्या इसीलिए वो जगह दिखाओ हमें जहाँ पर ये सब हुआ था। चलो बताओ कहाँ पर है। सर, यहाँ से सीधा ले लीजिए। सर थोड़ा सा आगे, सर थोड़ा सा। हाँ सर, बस बस बस, सर यही वो जगह। सर क्या यही वो रास्ता है? हाँ सर, यही वो रास्ता है, पर वो
चेक पोस्ट कहीं नजर नहीं आ रहा और वो दोनों कांस्टेबल, वो कांस्टेबल भी नजर नहीं आ रहे सर। कहाँ पर था चेक पोस्ट? सर वो चेक पोस्ट यहाँ पर था सर, यहाँ। यहाँ पर चेक पोस्ट था जी। और एम्बुलेंस? सर एम्बुलेंस, सर एम्बुलेंस यहाँ थी सर। हाँ सर यहाँ एम्बुलेंस। यहाँ पर एम्बुलेंस थी और दो गाड़ियाँ? सर एक गाड़ी एम्बुलेंस के आगे थी यहाँ, और सर दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे थी यहाँ। विनीत काम करो, हेडक्वार्टर्स को फोन करो और पता लगाओ क्या यहाँ पर चेक पोस्ट लगाया था क्या। यस। हाँ जल्दी लगाओ। अच्छा तो तुम्हारे मुताबिक चेक पोस्ट वहाँ था, एम्बुलेंस यहाँ थी, एक गाड़ी आगे थी एक गाड़ी पीछे थी, है ना? जी हाँ। एम्बुलेंस बिल्कुल यहाँ पर थी क्या? ये ढक्कन बीचों बीच था, मेरा मतलब है एम्बुलेंस के चारों टायर्स के बीचों बीच था। जी हाँ लगभग लगभग बीचों बीच ही था ना? लगभग सर। हेडक्वार्टर से पता लगाया सर, उस दिन यहाँ किसी चेक पोस्ट का ऑर्डर नहीं दिया गया था। उस दिन कोई चेक पोस्ट नहीं लगवाया गया था। सुन लिया? कोई चेक पोस्ट नहीं लगवाया गया था। विनीत ये गटर का ढक्कन देख रहे हो? इसके कहने के मुताबिक एम्बुलेंस बिल्कुल यहाँ पर खड़ी थी, चारों टायर के बीचों बीच ये गटर का ढक्कन था, गटर का ढक्कन चारों टायर के बीचों बीच। तो कुछ समझ में आ रहा है? मतलब सर? हाँ विनीत, मतलब ये कि जमीन के ऊपर झगड़े का नाटक चल रहा था, चेक पोस्ट के दो कॉन्स्टेबल्स और हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर के बीच, है ना? और जमीन के नीचे चल रहा था लाश बदलने का नाटक। ओ, तो ये सब नाटक रचाया था इन लोगों ने। एग्जैक्टली। अब एक काम करो विनीत, हमारे लोगों को बुलाओ और एक गटर का ढक्कन खुलवाओ, इस गटर के अंदर घुसकर देखते हैं है क्या इसके नीचे। अरे भाई सुनिए जी, इस आदमी को आपने यहाँ देखा क्या गांव में? आपको मालूम है ये आदमी कहाँ पे रहता है? नहीं साहब। नहीं सर। ठीक है एक मिनट, जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को पहचानते हो? अरे भाई सब सुनो सर, ये यहाँ आसपास गांव में कहीं भाभी जी सुनिए, खबर सर अभी तक कुछ नहीं पता चला है, मार खाते खाते बचाऊं। ऐसा काम मत किया करो ना। फिर सर सिंहर के सारे मछुआरों की बस्ती छान मारी लेकिन चंदू का कुछ भी पता नहीं चला। सर हो सकता है कि वो समुंदर किनारे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता। नहीं नहीं नहीं, रहता तो वो समुंदर के किनारे की बस्ती में है। सर उनके सामने बताया था ना, चंदू के शरीर से हमें काफी मात्रा में नमक और वो मछलियों के अंश मिले थे ना खाल के। अरे सुनो जरा, ये इस आदमी को पहले कभी देखा यहाँ पे आप? नहीं सर पहले कभी इस बस्ती में देखा नहीं इसे। अच्छा बहन जी, आपको मालूम है इसका घर कहाँ पे? ये आदमी बाबा अजीब लोग हैं यहाँ के। हाँ ना ठीक से हाँ बोल रहे हैं ना ना बोल रहे हैं। शायद मरे हुए आदमी की फोटो देखकर डर रहे होंगे। नहीं नहीं कुछ और ही चक्कर है, वो लड़का इस फोटो को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था, मुझे लगता है ये चंदू इसी गाँव का है।
क्या है टेंगू, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? पकिया, चंदू के दोस्त लोग आए हैं। क्या? और वो मरे हुए चंदू की तस्वीर दिखाकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं से जानता हूँ क्या? मरे हुए चंदू की तस्वीर? ए, चलो देखते, चलो। ए, चंदू का कौन ढूंढ रहा तुम लोग? देखा, शक सही निकला। तो तुम लोग चंदू को जानते हो, अब ये भी बता दो कि चंदू रहता कहाँ था। क्यों बताएं हम लोग? जब हमने चंदू की फोटो दिखाई तुम्हें तो पहचानने से इनकार क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है तुम लोग चंदू के गिरोह के आदमी हो और उसको मारने के बाद हमसे हफ्ता वसूली करने को आए हो। अपनी मेहनत की कमाई के बहुत रुपए दे दिया तुम लोगों को, अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चंदू गया, उसका हफ्ता भी गया, अब तुम लोग भी जाओगे। देखो, ना तो हम चंदू के दोस्त हैं और ना ही हफ्ता वसूलने आए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? माफ करना साहब, चंदू और उसके गिरोह के लोगों ने इतना परेशान कर रखा हम लोगों को कि उसका नाम सुनते ही हम लोगों का खून खौलने लगता है। साहब, हमारे सारे पैसे छीन लेता था वो, को नरक में जगह नहीं मिलेगी अब। ठीक है, कर दिखाओ उसको जरा। आइए साहब, दिखाते हैं। साहब, ये चंदू का घर। चेक करो घर को अच्छी तरीके से, देखो। जैसो ना, इधर आखिरी बार कब देखा था चंदू को आप लोगों ने? साहब, ये कोई 3 दिन पहले दिखाई दिया था और उसके पहले 1 महीने के लिए गायब था। सर। हाँ बेट। ये सामान देखिए। लाइट और साउंड का सामान। ये चंदू करता क्या था? कुछ फिल्म में काम करता था क्या? नहीं सर, फिल्म में नहीं, जुहू में कोई नाटक मंडली है, वहाँ पर लाइट और साउंड का काम संभालता था। नाटक मंडली में? अच्छा, वो यहाँ अकेला रहता था या उसके साथ में कोई और भी था? कौन परिवार बसाएगा उस राक्षस के साथ साहब, बिल्कुल अकेला रहता था। जरा ये फोटो देख, ये दोनों कभी मिलने आते थे उससे? साहब, ये तो शरीफ लोग दिखते हैं, उससे मिलने तो सब 2 नंबर के लोग आते थे। सर, इसमें हथियार रखे हुए हैं। ये देखिए सर। My God, ये फोटो तो बिल्कुल वैसी है जैसे वंश ने हमें बताया था। वो प्रेम वाली औरत अर्णव से टकराई थी और अर्णव गिर गया था। लगता है ये फोटो प्रेम में से खींची गई है। सर, ये फोटो का प्रिंटआउट है ना, इसका मतलब चंदू को ये फोटो किसी ने भेजी है। हाँ, मगर किसने भेजी और क्यों? काफी फिसलन है, संभाल के। हाँ सर। ये टनल कहाँ खुलता है? साहब, ये टनल सीधा खीरा गेट में खुलता है। खीरा गेट तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना सर। मतलब अर्णव की लाश को उस खीरा गेट से बाहर ले जाने का खतरा तो नहीं उठाएगा वो? हाँ सर, हो सकता है कि एम्बुलेंस और बाकी गाड़ियों के जाने के बाद उसने अर्णव की लाश को वहीं से बाहर निकाला। प्लीज आप पीछे खड़े हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। संभालिए अपने आप को, प्लीज थोड़े पीछे खड़े होइए। आप उधर खड़े होइए प्लीज। लेकिन सर, अर्णव की लाश अभी तक सड़ी गली कैसे नहीं? फ्रेडी, जब लाश का पोस्टमार्टम करते हैं तो उसके अंदर ऐसे केमिकल भर देते हैं जिससे लाश काफी दिनों तक सड़े ना। और अर्णव का पोस्टमार्टम तो सिलारो में किया गया था ना। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई, ये अर्णव की लाश को चंदू की लाश के साथ बदलने का क्या मतलब? कुछ तो राज है इसके पीछे। सर, ये देखिए सर, ये अर्णव का पेट कितनी बुरी तरह से काटा गया है। सर, पॉलीमर शीट का टुकड़ा, इस पे खून लगा है। पॉलीमर शीट के ऊपर खून?
इसका पेट कटा हुआ है, इसका कोई संबंध तो नहीं है? एक काम करो, ये शीट और ये लाश दोनों फोरेंसिक लैब भेज दो। आपका शक सही निकला सर, ये केमिकल्स रंग बदल रहे हैं। भगवान ने कितना कमाल का दिमाग दिया इंसान को, लेकिन इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कितने घिनौने काम करने के लिए करता है। सर, अर्णव के पेट को किस काम के लिए काटा गया था? सुनोगे ना तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या बात? तारिका बताओ ऐसी क्या बात है। अर्णव के पेट में से हमें नाइट्रोग्लूकोइड के अंश मिले। नाइट्रोग्लूकोइड, इसका इस्तेमाल तो डायनामाइट बनाने में किया जाता है ना? जी, अब पता चली ना बात? अरे बाप रे, यानी कि अर्णव की लाश के जरिए डायनामाइट इंडिया में लाया जा रहा था। और सर उस शीट से कुछ पता चला? दरअसल उसी शीट में लपेट करके वो डायनामाइट अर्णव के पेट में रखा गया था। सर, मान लिया कि डायनामाइट को अर्णव के पेट में उस शीट में छुपा के स्मगल किया गया, लेकिन एयरपोर्ट पर किसी एक्सरे मशीन में वो पकड़ा कैसे नहीं गया? एक्सरे डिटेक्टर्स भी एक हद तक ही काम करते हैं। और ये शीट एक खास किस्म की शीट है, इसमें रखी हुई कोई भी चीज एक्सरे में पकड़ी नहीं जा सकती है। कभी भी नहीं? 99% नहीं फ्रेडी, सिर्फ 1% चांस है। जो शख्स डायनामाइट की स्मगलिंग कर सकता है उसके लिए 1% खतरा उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह डायनामाइट हिंदुस्तान में किसने स्मगल किया और इस वक्त यह डायनामाइट है कहां? एक बात है, इस अर्णव को ही क्यों मारा? अर्णव को ही क्यों मारा? जरूर इस अर्णव का उन डायनामाइट स्मगलिंग वालों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। हाँ सर, ये बात तो है, वरना ऐसे ही किसी राह चलते आदमी को मारकर उसके पेट में डायनामाइट रख के स्मगलिंग नहीं करता। प्लान का पहला हिस्सा सिलारो में पूरा हुआ, दूसरा हिस्सा पूरा हुआ मुंबई में, और शुरुआत हुई उस शॉपिंग मॉल में जहां पर वो औरत अर्णव से टकराई थी और उसके छाती में उसने वो सुई घोंप दी थी। सर, हो ना हो वो औरत पेशेवर खूनी होगी, उसे पता था कि छाती पे कहां पे वार करने से अर्णव की मौत हो सकती है। सर, सिलारो पुलिस से जो जानकारी मांगी गई थी मिल गई सर। इस डीवीडी में उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त अर्णव शॉपिंग मॉल में था, और इसमें कुछ और भी जानकारी है सर। डीवीडी लगाओ सर। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे के साथ जो औरत है उसका नाम सुहासी है, और एक दिन पहले भी उसने इसी शॉपिंग मॉल से खरीदी की थी। होटल में डिलीवरी की गई थी, होटल का नाम है होटल डेल्फी, केआर जंक्शन। सुहासी इंडिया की रहने वाली थी। सुहासी 25 अप्रैल की रात ही दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। सुहासी 25 अप्रैल की रात दिल्ली के लिए रवाना हुई, दिल्ली के लिए रवाना हुई, और 25 अप्रैल के दोपहर को ही इसी शॉपिंग मॉल में उसने अर्णव के छाती में वो सुई खोपी थी। चलो देखते हैं। बस पॉज करो, अब जूम करो, ये देखो, ये सुहासी वहां से आई और अर्णव के साथ टकराई, जानबूझकर टकराई ताकि वो उसकी छाती में सुई भोंक सके। सर इतना ही नहीं, जिस वक्त अर्णव मर रहा था उस वक्त सुहासी ने उसका फोटो भी खींचा और फोटो मुंबई में चंदू को भेज दिया ताकि मुंबई की प्लानिंग शुरू की जा सके। सिलारो का डॉक्टर जिसने अर्णव के बॉडी का पोस्टमार्टम किया था,
लगता है वो भी जरूर मिला हुआ था इस सारे प्लान में, क्योंकि उसकी मदद के बगैर अर्णव के शरीर के अंग निकालकर उसमें डायनामाइट फिट करना इतना आसान काम नहीं था। हाँ सर, हमें फौरन सेलारो पुलिस को खबर कर देनी चाहिए ताकि उस डॉक्टर को पकड़ सके। और ये सीसीटीवी फुटेज और ये सारा इंफॉर्मेशन सारा का सारा दिल्ली पुलिस को भेज दो, पता तो चले दिल्ली उतरने के बाद ये सुहासी गई कहां। यस सर। और वो नाटक मंडली, नाटक मंडली जहां पर ये चंदू काम करता था, वहां जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए, एक एक की पूछताछ करनी चाहिए, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा जो हमें उस डायनामाइट स्मगलिंग वालों तक ले जाएगा। सर, एम्बुलेंस का ड्राइवर और बाकी सभी लोगों के बारे में पता लगाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि अर्णव की लाश कॉफिन से गायब कैसे हुई। तुम्हें क्या लगता है निखिल, क्यों एम्बुलेंस अभी भी वैसे के वैसे रखी होगी उन लोगों ने? वो एम्बुलेंस अभी तो भंगार खाने में होगी, किसी तो गाड़ियों के भंगार खाने में होगी। जाओ जाकर चेक करो, देखो एम्बुलेंस भंगार खाने में ही मिलेगी। सर, ये छठवा और आखिरी जंकयार्ड है इस शहर का, अगर यहाँ पे भी वो एम्बुलेंस नहीं मिली तो। यार फ्रेडी, देखने तो दो। सर, अगर उस एम्बुलेंस के टुकड़े करके बाजार में उसके पुर्जे बेच दिए होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉफिन बदला कैसे गया? यार ये तुम लोगों ने नाश्ते में क्या खाया आज? अच्छा अच्छा सोचो यार, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बी पॉजिटिव। ये एम्बुलेंस सर वही नंबर है, ये एम्बुलेंस वही है। छान मारो इसे। इसका खुफिया दरवाजा जहाँ से वो कॉफिन बाहर ले जाया गया है। मतलब ड्राइवर के साथ साथ दोनों वार्ड बॉय भी मिले हुए हैं। और नहीं तो क्या, तभी तो बंद एम्बुलेंस में से कॉफिन बाहर चला गया। लेकिन सर, कॉफिन तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, एकदम सील पैक सिलारो से आया हुआ, तो फिर कॉफिन के अंदर की लाश कैसे बदल गई? बेटी, जिस तरीके से एम्बुलेंस के अंदर गड़बड़ है, उस कॉफिन में भी जरूर गड़बड़ होगी। कॉफिन को अच्छी तरीके से चेक करना होगा। सचिन? हाँ सचिन। ओह, चंदू जिस थिएटर में काम करता था उसका पता चल गया। वेरी गुड। जॉय, जिस तरह का बैकग्राउंड तुम हमें बनाने को कह रहे हो ना, उस तरह का बैकग्राउंड हम तो क्या कोई भी तुम्हें इतनी जल्दी बनाकर नहीं दे सकता। ये बहुत गलत बात है। एक महीना पहले जब मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था तब तुमने कुछ नहीं बोला, अब इस तरह अचानक मना करोगे तो कैसे चलेगा? हमने आपसे कहा था कि हम देखेंगे, हमने कहा आपसे झूठा वादा किया था। तुम लोग अपनी बात से मुकर रहे हो। कोई भी अपने काम से मुकर जाए, लेकिन सीआईडी अपने काम से कभी नहीं मुकरती। जब तक केस सॉल्व नहीं होता हम चैन से नहीं बैठते। सीआईडी? क्या हुआ सर? आप सभी लोग तिमारी थिएटर ग्रुप के मेंबर्स हैं ना? हाँ जी हाँ, लेकिन हुआ क्या? चंदू है ना, तुम लोगों के साथ लाइट और साउंड डिपार्टमेंट में काम करता था। ये तो मर गया, लेकिन कैसे हुई इसकी मौत और कब? मौत कैसे हुई कब हुई इसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। फिलहाल इतना बता सकते हैं कि जिस कॉफिन में अर्णव की लाश मिलनी चाहिए थी उसी कॉफिन में हमें चंदू की लाश मिली। सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये अर्णव, इसे पहचानते हो? इसे तो हम पहली बार देख रहे हैं। फिलहाल ये बताना कि ये चंदू किस तरीके का आदमी था, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जहाँ तक हमें मालूम है सीधा आदमी था। हाँ, और हमेशा अपने काम से ही काम रखता था, कभी किसी से उलझता भी नहीं था। आप लोग क्या कुसर बुसर कर रहे हैं है? जो कुछ मालूम है खोल के बताइए। ऐसा कुछ नहीं है साहब, बस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। मतलब चंदू की लाश कॉफिन में मिली थी ना, तो पता नहीं ये संयोग है या साजिश, लेकिन चंदू पिछले महीने हम दोनों से कॉफिन बनाने वाले के बारे में पूछ रहा था। कॉफिन बनाने वाले के बारे में, लेकिन क्यों? साहब, हम आर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, शायद इसी वजह से वो हमसे पूछ रहा था। आप लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी, एक लाइट साउंड डिपार्टमेंट का आदमी कॉफिन बनाने वाले के बारे में पूछ रहा था? सब ये बात तो हमें भी बहुत अजीब लगी, पर
बाद में हमने उसे कॉफिन बनाने वाले का नंबर दे दिया। तो क्या फिर वो उसके पास गया? वो तो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कॉफिन बनाने वाला 2 हफ्तों के लिए सिलारो गया था। कमाल है सर, एक कॉफिन बनाने वाला आदमी, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि 2 हफ्तों के लिए विदेश चला गया, वो भी सिलारो। शायद वो सिलारो कॉफिन बनाने गया होगा और जिस आदमी ने उसे पैसे दिए होंगे उसी के लिए गया होगा। समझ गए ना? सर उस कॉफिन बनाने वाले का नंबर एड्रेस देना। ये देखो सरन के, ये वो एम्बुलेंस जिसमें अर्नो की लाश लाई गई थी इस कॉफिन में। अब ये रहा वो शॉर्टकट वाला रास्ता, जिस रास्ते पर वो नकली चेक पोस्ट बना के रखा था, नकली चेक पोस्ट। ये रहा वो गटर का कवर। अब देखना, अब आकर खड़ी हो जाएगी, देखो ऐसे गटर का ढक्कन बिल्कुल बीचों बीच। यार ये सब मुझे पता है, ये फोटोज दिखाने का मतलब क्या है? मैं तुझे समझा रहा हूँ इसलिए ताकि मेरे दिमाग में भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तू जरा शांति से सुनेगा है? अब देख, जैसे कि तुझे पता है ये कॉफिन का बेस है, तल है। इसके ऊपर हैं ये 9 बोल्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 बोल्ट्स है। आयन बोल्ट्स? हाँ हाँ, आयन बोल्ट्स। और ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देख, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं इन बोल्ट्स पर चिपकाता हूं, ये बेस ऊपर चला जाएगा। देखा क्या हुआ? अब ये हुई थियरी, अब तुझे बताता हूं वहां पर क्या हुआ। देख, जैसे एम्बुलेंस उस गटर के कवर पर आकर खड़ी हो गई, गटर के अंदर से 2 लोग बाहर आए चंदू की लाश के साथ गटर के नीचे से। फिर उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एम्बुलेंस के फ्लोरिंग को चिपका दिया। हुआ क्या कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से एम्बुलेंस का फ्लोरिंग, उसके साथ साथ कॉफिन का ये तल, ये बेस और उसके ऊपर जो अर्नो की लाश लेटाई गई थी, वो ये तीनों के तीनों नीचे आ गए, एम्बुलेंस से अलग हो गए। तुरंत उन लोगों ने अर्णव की लाश बाजू में करके चंदू की लाश लेटा दी और फिर वैसे के वैसे फ्लोरिंग के साथ ये कॉफिन का बेस और अर्णव की लाश की जगह चंदू की लाश, तीनों के तीनों ऊपर फिर से एम्बुलेंस को फिट कर दिए। तो ये हुआ है। काफी दिमाग लगाया खून करने वाले ने। अर्णव का खून किया सिलारो में और उसकी लाश मिली मुंबई की गटर में। वही तो। हाँ पंकज, सुहासी ने दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी ली पर गई कहाँ? तो उस टैक्सी वाले ने सुहासी को इसी बांगड़कर सोसाइटी में छोड़ा था। अरे सुनिए, क्या ये सुहासी है? हाँ सर। ये यहाँ आप ही के सोसाइटी में रहती है? जी, इसी सोसाइटी के बंगलो नंबर 102 में रहती है। बंगलो नंबर 102 में रहती है? हाँ सर, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है, उसका भाई रह रहा है। सुहासी का भाई भी है? भाई है या कोई और है ये तो नहीं मालूम। हाँ, लेकिन उसके घर पे कोई आदमी रह रहा है। अच्छा, सुहासी के बारे में कुछ और बता सकते? वो ज्यादा किसी से मिलती नहीं थी और वो महीने के 15-20 दिन घर से बाहर ही रहती थी। अरे तो फिर उसके बच्चे का ध्यान कौन रखता था? नहीं सर, उसका कोई भी बच्चा नहीं है। इसका मतलब सर आपका अंदाजा सही निकला, वो बच्चा सुहासी का था ही नहीं। कहाँ ये बंगलो नंबर 102? सर आप यहाँ से भाई जाकर सीढ़ी से मुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू। कौन है? अरे बोलो ना कौन है? सुहासी जी ने आपके लिए पार्सल भेजा है, दरवाजा खोलिए और ले लीजिए। कहाँ है पार्सल? भंगार में। क्यों डाला एम्बुलेंस को भंगार में? कौन सी एम्बुलेंस? उस चमत्कारी एम्बुलेंस के ड्राइवर आप ही है ना? कौन सी चमत्कारी एम्बुलेंस की बात कर रहे हो आप लोग? पर आप लोग हैं कौन? CID CID
लंगूर के तुम फेंक देगा। बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, ना ही मैंने कोई खून किया साहब, मैंने तो बस एम्बुलेंस को गटर के ढक्कन के ऊपर लाकर खड़ा किया था। मैं गुनाहगार नहीं हूँ साहब, गुनाहगार सुहासी है। अगर पकड़ रहे हो तो उसे पकड़िए ना। सुहासी को तो पकड़ लेंगे, पहले तुझसे तो निपट ले। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। समझाओ इसे। कुछ नहीं किया तुमने? नहीं साहब। वो दोनों गाड़ी के ड्राइवर और वो वार्ड बॉय तुम्हारे जैसे वो भी शामिल थे ना इस सारे चक्कर में? साहब मुझे चंदू ने पैसों का लालच देकर कहा था एम्बुलेंस को छोड़कर रास्ते से ले जाना, और उसके बाद से चंदू गायब है साहब। चंदू गायब नहीं हुआ, चंदू का खून कर दिया गया। अर्नव की लाश को कॉफी से निकाल कर चंदू की लाश को वहां पे रख दिया गया है। क्या चंदू का खून हो गया? हाँ खून हो गया, और उसके खून में तुम्हारा भी हाथ है। नहीं साहब, मुझे सुहासी ने पैसे देकर कहा था कि तुम इस घर में रहो, और जब तक मैं ना कहूं तुम इस घर से बाहर नहीं निकलना। सुहासी भी आई थी ना यहाँ इस घर में, कहाँ है वो? हाँ आई थी साहब, मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई में कहाँ है मुझे नहीं पता साहब। सुहासी कितने सारे फोटोज। इनविटेशन कार्ड। सरदर से ये मिला है। सर ये देखिए मुझे क्या मिला है। सर सुहासी के अलग अलग अटैपमेंट से फोटोज भी हैं। सर तिमारी थिएटर ग्रुप, सुहासी के अलग अलग बेस में फोटोग्राफ्स, तो इसका मतलब है तिमारी थिएटर ग्रुप में सुहासी अभिनेत्री बनकर काम कर रही थी। सर ये तो वही नाटक मंडली है ना जहाँ पे अभिजीत और सचिन गए थे चंदू के बारे में पता करने। हाँ दया, वही तिमारी थिएटर ग्रुप, याद है तुम्हें? उस फोटो में इस इनविटेशन कार्ड का ऊपर का हिस्सा था तिमारी थिएटर ग्रुप का। हाँ सर ये तो वही इनविटेशन कार्ड है। हाँ दया, अब अभिजीत को फोन करके कहो कि सुहासी इस तिमारी थिएटर ग्रुप में ही मिलेगी। तिमारी थिएटर ग्रुप। केतन जी। जी आप ही है ना वो मशहूर कॉफिन बनाने वाले कारीगर? कहिए किस साइज का कॉफिन बनवाना है आपको और किसके लिए? एक्चुअली कॉफिन हमें सिलारो भेजना है। सिलारो? मैं समझा नहीं। सिलारो आप गए हैं ना? ये क्या कह रहे हैं आप? आप लोग हो कौन? सीआरडी से। और सच कह रहे हैं? देखो केतन जी हमें सब कुछ पता चल चुका है, आपकी भलाई इसी में, जो कुछ आप जानते हो सच सच बता दो, वरना अगर आपको ब्यूरो ले गए तो आपकी हड्डी पसली बहुत जोर जोर से गाना गाएगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, मैं सच बताता हूँ आपको, चंदू ने ही मुझे कॉफिन बनाने को कहा था और सिलारो आने को कहा था। अकेले गए थे तुम या चंदू भी साथ गया था? नहीं साहब मैं अकेला ही गया था। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ मुझे एक कमरे में रखा गया था और फिर कुछ स्केचेस दिए जाते थे और उसी के आधार पर मैंने कॉफिन बनाया। पेंसिल से बने स्केचेस? ये कौन देता था तुम्हें वहाँ पे? कोई नहीं देता था साहब, कुरियर से आते थे एक लिफाफे में रखकर। कुरियर से? वो स्केचेस है तुम्हारे पास? हाँ है ना साहब, ये देखो साहब। होटल डेल्फी केआर जंक्शन, ये तो वही इलाका है ना जहाँ पे सुहासी ठहरी हुई थी। सुहासी जी से मिलना पड़ेगा। कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कर चाहते क्या हो? तुम्हें पता है सीआईडी मेरे घर तक पहुँच गई है, देख क्यों नहीं रहे? कहाँ हो? तुम ही हो ना? क्या तुम सच में वहां पर डायनामाइट? अरे सुहासी! माय गॉड सर, इसे तो पेट में वार किया गया है। सुहासी किसने किया? कौन था वो? हैं? वो आदमी। कौन आदमी? डायनामाइट। डायनामाइट
कहाँ डाना मैं? आप लोग सुहासी? सर जिंदा है, सांसें चल रही हैं। हम लोग बोल रही थी और बी सर कहीं ब्यूरो में डाना मैं? माय गॉड, हो सकता है। इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो सर। एसीपी साहब और सारी टीम को खबर कर दो, ब्यूरो में डायनामाइट हो सकता है। हेलो सर, माय गॉड, जॉय तुमने बॉम्ब लगाया ब्यूरो में? हाँ मैं मैंने जगह जगह पर डायनामाइट फिट कर दिए हैं, आधे घंटे में पूरा ब्यूरो उड़ जाएगा। पागल हो गए हो तुम? दो सिपाहियों को मारकर तुमने ब्यूरो के अंदर बॉम्ब फिट किया डायनामाइट? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग मेरा। रुक जाओ प्रीति, पंकज बॉम्ब स्क्वाड एसीपी प्रद्युमनिया, सीआईडी ब्यूरो में किसी ने डायनामाइट लगाया, आधे घंटे के अंदर फटने वाला, जल्दी या। पंकज जल्दी भगाओ, जल्दी। मैं सर को फोन कर देता हूं, गाड़ी तेज चलाओ पंकज, और तेज। ये जॉय तो पूरा पागल हो चुका है, जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है ऐसा लग रहा है कि खुद तो मरेगा ही, हमें भी ले डूबेगा। ये आदमी हाथ से छुटना नहीं चाहिए, समझे? ब्यूरो को उड़ाएगा बॉम्ब से है? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है जॉय, तुम्हारे लगाए हुए डायनामाइट्स डिफ्यूज हो चुके हैं। क्या सोचा था तुमने? अर्नो को मार के उसके लाश में डायनामाइट छुपा के आओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? क्या तुम्हारे पापों का घड़ा फूट चुका है जॉय? तुमने अर्नो और चंदू का खून किया है और सुहासी को मारने की कोशिश की है, समझे? नाटक कंपनी में काम करने का दिखावा करते हो, असली काम है हथियारों की तस्करी, लोगों का खून करना। खून करना हमारा पेशा नहीं है तो फिर अर्नो को क्यों मारा? अर्नव हमारा ही आदमी था, लेकिन जब उसने गिरोह छोड़ने की बात की तो उसे मारना पड़ा। और चंदू, चंदू का खून क्यों किया? अर्नव की लाश से डायनामाइट निकालना था और कॉफिन में किसी ना किसी की लाश तो रखनी ही थी, इसलिए चंदू की बलि चढ़ानी पड़ी। बहुत घिनौना काम करते हो तुम, हथियारों की तस्करी, दो दो खून किया है तुमने, तुम्हें तो फांसी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।